कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग मशीन लर्निंग पे हैंड्स ऑन करने वाले हैं। मशीन लर्निंग को सीखने का सबसे बेस्ट वे पता क्या होता है कि उसकी जितनी भी टाइप्स हैं ना हमारे पास, उनको वन बाय वन लें, उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर करें और साथ ही जो है ना कोई डाटा सेट लेके उसको अप्लाई करके देख लें। तो इसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे। और सबसे पहले आती है टाइप जनाब सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए ना थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में चले जाते हैं। हमें किस तरह से सिखाया जाता था ए फॉर एप्पल। अच्छा देखिए, ये अब ग्रीन कलर का एप्पल है, क्या हमें ये बताया था कि जो है रेड कलर का अगर इस शेप में कोई होगा तो वो भी एप्पल ही होगा, या कोई साइज छोटा या बड़ा है? हम खुद ही इन्फर कर लेते थे बाद में कि जो है ना ये एप्पल ही की टाइप है। इस शेप को देख के हम अंडरस्टैंड कर जाते थे कि इस तरह की कोई चीज़ जो भी होगी ना जी, उसका नाम एप्पल होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद बिफोर बॉल, हमें कोई भी एक बॉल दिखा दी जाती थी और उसके बाद हम बाद में खुद ही इन्फर कर देंगे ये फुटबॉल की है या ये है वो है टेनिस की है दिस दैट जो भी, ठीक है। उसके बाद सी फॉर कैट में हमें सिर्फ एक ही कैट दिखा दी जाती थी, हमें समझ आती थी कि ये है, बाकी सारी हम खुद से ही इन्फर करते हैं, हमारा ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। तो मशीन लर्निंग में भी हम सेम यही टेक्निक यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई एक डाटा सेट लेते हैं, जैसे आज हम लेने वाले हैं एक एम्प्लॉय का डाटा सेट। उसमें जनाब एक कॉलम हम बनाएंगे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का, एक बनाएंगे सैलरी का। हम अब इस तरह से करेंगे, उसको कह देंगे कि वन ईयर अगर किसी भी एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी है सपोज 1000, आप भी डॉलर में कर लेना अगर आपको कम लग रही है तो। अगर टू ईयर का एक्सपीरियंस है तो हम कह देंगे जी 2000, थ्री ईयर का है 3000 या 3050 समथिंग, इस तरह से करके गए। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास सपोज हमने ये 10 रोज का एक डाटा आज लेंगे, तो उसके अंदर से जब हमने उसको जो है इस तरह का डाटा दिखाना है तो उसके 80% को जो है ना हमने उसके जो है उस पर ट्रेन कराना है और उसके 20% पे हम उसको टेस्ट लेंगे उसका, और उस पर प्रेडिक्शन करा के देखेंगे कि क्या उस टेस्ट को ये क्लियर कर जाता है, कि ये इस बात को समझ लेता है कि वन ईयर्स का इतना है, टू ईयर्स का इतना है, थ्री ईयर्स का इतना है। तो फिर उसको बाद हम उसके बाद हम उसको जितना भी डाटा देंगे ना, कहेंगे कि हमें बता दीजिए कि 50 ईयर्स अगर किसी की एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी कितनी होगी, तो वो उस एल्गोरिथम को पकड़ लेगा और फिर हमें बता देगा कि इतनी सैलरी होगी। और मोस्ट प्रॉब्ली जो है ऐसा तो नहीं होता कि 100% एक्यूरेसी हो, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% एक्यूरेसी हमारे पास आ जाती है। तो आज हम एम्प्लॉय का एक डाटा सेट लेंगे और उसके ऊपर इसी तरह से अप्लाई करके देखेंगे और देखते हैं कि जी हमारी प्रेडिक्शन किस तरह की आती है और एक्यूरेसी हमारी कितनी आती है। तो चलें ऐसा करते हैं कि वीएस कोड पे चलते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। चलें तो अब स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। आपके सामने ये जितनी लाइब्रेरीज़ के नाम लिखे हुए आ रहे हैं, यानी इम्पोर्ट के बाद जो है ये सारे के सारे लाइब्रेरीज़ के नाम हैं, NumPy, sklearn, pandas, matplotlib, seaborn, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज अपने सबसे पहले अपने पास अगर इंस्टॉल नहीं की तो pip इंस्टॉल करके ना लाइब्रेरी का नाम लिखना है। जैसे कि मैं एक लाइब्रेरी का यहाँ पे अगर नाम लिखती हूँ, ये sklearn के लिए जैसे लिखा है pip install sklearn, चूँकि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुकी हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। आप लोगों ने अगर नहीं किए हुई तो फिर आपके पास ये वाला मैसेज नहीं आएगा। ये देखिए कि रिक्वायरमेंट ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है, लेकिन अगर आपने जो है फर्स्ट टाइम करें तो आपने जैसे ही pip इंस्टॉल करना है उसके बाद आप लोगों ने वो जो है ना कर्नल से आपको दोबारा से स्टार्ट कर लेना है, ये काम अपने मस्त करना है, वरना वो जो है उसके पास मौजूद ही नहीं होगी डिटेल्स, तो आपके पास एरर्स आते रहेंगे और आप अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकेंगे। रीस्टार्ट का अगर आपको नहीं समझ आए ना कि कहाँ से खोलना है तो ये सामने ये रीस्टार्ट का जो है ना यहाँ से आपने रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। pip इंस्टॉल मैंने sklearn से यहाँ पे लिखा है, इम्पोर्ट में जितनी लाइब्रेरीज लिखी हुई है ना आपने सबको इस तरह से कर लेना है कि अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको इंस्टॉल होने में और फिर उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं जी इंपोर्ट में। अभी इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लाइब्रेरीज मैंने पिछले वीडियो में समझाई भी थी कि NumPy, sklearn, pandas, matplotlib, seaborn, ये सारी की सारी ना आपने इंपोर्ट कर लेनी है, ठीक है। अब किस काम के लिए आती हैं ये आहिस्ते आहिस्ते आपको खुद से ही समझ आती रहेगी, उसके बारे में अभी परेशान ना हो। अब डाटा सेट की जहाँ तक बात है तो मैंने इस तरह से किया है कि एक खाली डाटा फ्रेम जो है ले लिया pd.dataframe के नाम से और फिर उसको df के अंदर स्टोर करा लिया। एक एम्प्टी हमारे पास डाटा सेट क्रिएट हो गया और नीचे जो है उसके अंदर df के अंदर पहला कॉलम मैंने नेम का बनाया, df ऑफ नेम इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद सारे नाम दे दिए। उसके बाद दूसरा कॉलम df ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज इक्वल टू, और वहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दिए। और उसके बाद तीसरा कॉलम हमारा होगा df ऑफ सैलरी इज इक्वल टू, और उसके सामने सारी की सारी सैलरीज डाल दी हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हेड करा के स्टार्टिंग की हम देख लेते हैं रोज़ कि हमारा डाटा किस तरह का तैयार हुआ है। तो ये जी आपके पास पहला नेम का,
पहले वाले इंडेक्सिंग का होगा ऑटोमेटिकली जो आपके पास आएगी, उसके बाद नेम का कॉलम आएगा जो पे अली, अस्मा, उस्मान ये नाम आगे सारे, और उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद सैलरीज। अब हमने इस डाटा को इस तरह से लिखा है कि अगर एक साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी 1000 है, 2000 का तो 2050 लिख दिया, थ्री ईयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी भी एम्प्लॉय का तो उसकी सैलरी जो 3008 है, और इसी तरह से 4, 5, 6 इसी तरह से 10 तक हमने जो है ना टोटल ये जो है डाटा सेट बनाया उसके अंदर ये डाल दिए सैलरीज। थैंक्स टू द साइकिट लर्न और ये सारी लाइब्रेरीज के हमारे पास सारे बने बनाए फंक्शंस मौजूद होते हैं। इट्स क्वाइट ईजी, आपने इसको सिर्फ क्या आना चाहिए, अपना डाटा कहाँ पे इन प्लेस करना, सिर्फ इतना सही काम आना चाहिए, बाकी काम तो ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। अब एसक्यूएलर्न में हमारे पास एक फंक्शन आता है लीनियर रिग्रेशन के नाम से। इसको हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन का पूरा फंक्शन लिया है और उसको एक वेरिएबल मॉडल जो है LR लीनियर रिग्रेशन की वजह से मैंने LR इसको दिया कि मॉडल LR। आप सिर्फ मॉडल दे दें, कोई भी नाम दे दें, ये एक वेरिएबल ही है जिसके अंदर क्या होगा कि लीनियर रिग्रेशन का पूरा फंक्शन के उठ के उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है कि हमने अपने डाटा को स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट क्यों करना होता है, देखिए आप हमारे पास ये जो डाटा है उसका एक कॉलम है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और एक कॉलम है सैलरी का। हम करना ये चाहते हैं कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी के डाटा को रीड कराएं, उसको ट्रेन कराएं इस पे कि अगर हमने डाटा ऐसा दिया हुआ है कि एक साल के एक्सपीरियंस पे 1000 सैलरी डाली है, दो साल के एक्सपीरियंस पे 2000, 3000 किस, तो हम चाहते हैं कि हम 80% डाटा उसको दें, हम उसके ऊपर उसको ट्रेन कराएं कि हमने इस तरीके से जो है ना सैलरीज और हमारी जो है एक्सपीरियंस के बीच में ये रेशो बन रही है। आप एल्गोरिदम बना दो इसके ऊपर और जब हम आपको जो है कुछ अरसे बाद का कुछ कहें कि जी जो जैसे 10 साल का तक का हमने डाला हुआ है, हम कहें कि 20 इयर्स का हमें प्रेडिक्ट करके बता दो, 30 इयर्स का प्रेडिक्ट करके बता दो, तो यहाँ से ट्रेंड हो जाओ आप। जैसे हमने कहा था कि एक एप्पल हमने सीख लिया कि जो है इस तरह से होता है तो उसके बाद हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती कि रेड ग्रीन जो भी एप्पल है वो हमें पता होता है, तो ऐसे ही हमारी मशीन लर्निंग भी ऐसे ही हो जाती है। जब हम एक बता देते हैं ना उसको, एक साल का इतना, दो साल का इतना, तीन साल का इतना, तो वो अपने एल्गोरिदम में अपने आप को सेट कर लेते हैं और हमें प्रेडिक्ट करके हम जो वैसे भी नाम मांगेंगे ना कि इतने इयर्स के एक्सपीरियंस पर क्या सैलरी होगी जो यहाँ पे टेबल में मेंशन नहीं होगा, तो वो भी हमें प्रेडिक्ट करके बता देगा। तो स्प्लिट कराने के लिए हमने क्या किया है कि हमने इसको कहा है कि जो DF ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो हमारा कॉलम है उसको X में डाल दो और जो दूसरा है सैलरी का उसको Y में डाल दो। अब हमने क्या करना है, इस X और Y को ट्रेन कराना है और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करनी है, ट्रेन कराना है और उसकी टेस्टिंग करनी है। बना वो फंक्शन हमारे पास आता है जनाब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। हमने उसके अंदर हमने एक्स और वाई वो पास कर दिया। एक्स में क्या है हमारे पास, जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक्स में हमारे पास है एक्सपीरियंस के ईयर्स हैं और वाई में हमारे पास जो है जो सैलरी थी वो है, और उसके बाद टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2 जो डाला हुआ, 0.2 का मतलब हुआ यानी 20% पे हम टेस्ट कराएंगे उसको। यहाँ पे साइज आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 20% पे ही आप टेस्ट कराएं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है कि 70-80% तक के पे जो हम ट्रेन करा लेते हैं और जो है 20% के ऊपर फिर उसकी टेस्टिंग ले लेते हैं कि क्या जो हमने 80% पे जो ट्रेनिंग कराई है तो 20 के ऊपर जब उससे पूछें तो क्या आंसर सही देता है। जब इस पे टेस्टिंग हो जाती है तो फिर हमें पता होता है कि अब इससे रेलिवेंट जो भी हम इसे मांगेंगे तो वो प्रेडिक्शन हमें दे देगा आराम से। उसके बाद आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0, पर रैंडम स्टेट इज इक्वल टू नो बाय डिफॉल्ट नन होती है। तो उसमें क्या होता है कि हर दफ़ा वो नई वैल्यूज़ उठा लेगा, नए कॉलम ले लेगा, रोज़ ले लेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमने उसको टेस्टिंग कराई है कुछ कॉलम्स पे तो वाई के इक्वलेंट भी वही वाले कॉलम्स ले, मतलब रैंडमली जो उसने उठाए एक दफ़ा दूसरी दफ़ा भी वही ले, ताकि हमारे टेस्ट जो है ना रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आ सके उसके अंदर। आप अगर चाहें तो बेशक रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 ना डालें, लेकिन आप जब ना डालेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए बेहतर होता है कि रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 डाल दें या 1 डाल दें, दोनों सूरतों में आपका काम ये हो जाएगा कि वही वाले आपके पास कॉलम के ऊपर वो टेस्टिंग हो रही होगी तो एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमने एक्स ट्रेन और इस सारे को हमने क्या किया है वेरिएबल्स में डाला, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, ठीक है। हम कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल डाल सकते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यानी रेदर देन कि हम लिखते कि एक्स ट्रेन इज इक्वल टू फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट उसके अंदर एक्स का डालते और फिर दूसरे को, इस तरह से हमने सारों को कॉमा सेपरेटेड कर दिया और इसके अंदर पास जितनी वैल्यूज़ की हैं वो अकॉर्डिंगली अब उन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो चुकी हैं हमारे पास। अब हम एक्स टेस्ट में देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, इसको रन करके देखते हैं क्या कर रहे हैं। इंडेक्स 2 और इंडेक्स 8 पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 और 9 इस पे इसकी टेस्टिंग हुई है।
अब देखते हैं कि अकॉर्डिंगली जो है वाई पे इसने जो है क्या लिए। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि जब वाई पे टेस्ट कराए ना तो इंडेक्स 2 और 8 को ही इसको लेना चाहिए और वो सैलरी देनी चाहिए। तो ये देख ले, जब वाई को हमने टेस्ट किया तो वो क्या कर रहा है कि उसने वो उन्हीं दोनों इंडेक्स को जिस पे हमने उसे एक्स को टेस्ट कराया है 2 और 8 उसी के ऊपर जो है वो हमें दे रहा है। अब ये हमने रैंडमली उठाया, ठीक है, अब हमने इसे कॉन्शियसली नहीं कि 2 और 8 इंडेक्स हमने देख लिया, आप कहीं पे भी नहीं दिया, सिंपल एक्स की टेस्टिंग दी है, रैंडम उसके अंदर डाला हुआ, उसने रैंडमली 2 और 8 उठाया। लेकिन देख लें कितना एक्यूरेटली काम करता है कि जो एक्स टेस्ट पे उसने 2 और 8 उठाया ना तो वाई टेस्ट पे भी अकॉर्डिंगली ही सैलरीज वो हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हमारे पास सही ही रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब जनाब हमारे पास फिट जो है एक फंक्शन मौजूद है। फिट का जो है हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर पूरे के पूरे एक एल्गोरिदम लिखा हुआ होता है। उस एल्गोरिदम के थ्रू जो है हम अपने स्कोर भी टेस्ट कर लेंगे कि जो है हमारे स्कोर की कितनी एक्यूरेसी आ रही है, और वो एल्गोरिदम हमारे डाटा को ट्रेन भी करने वाला है। तो ये फिट के एल्गोरिदम के अंदर फंक्शन है, वैसे नाम का इसके अंदर एक एल्गोरिदम लिखा हुआ होता है, तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, यानी हमने इसके हवाले कर दिए कि भाई हमारे एक्स की भी ट्रेनिंग करा दो और वाई की भी ट्रेनिंग करा दो। एक्स में हमारे पास क्या था, एक्स में हमारे पास ईयर एक्सपीरियंस था और वाई में हमारे पास सैलरी थी, इन्हीं दोनों को हम ट्रेन कराना चाह रहे थे। और फिर मॉडल LTR, ये LR क्यों लिखा हुआ है कि इसी के अंदर तो हमने सारा जो है ना लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन डाला हुआ था, और ये फिट जो है लीनियर रिग्रेशन में ही फिट का फंक्शन मौजूद होता है। फिर उसके बाद हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर मौजूद स्कोर के अंदर जो है ना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को पास करके तो हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि स्कोर कितना आ रहा है, यानी हमारी एक्यूरेसी के चांसेस कितने हैं आने के। तो 0.9 है जी जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, हमारा ये जो है टेस्टिंग हुई थी उसके ऊपर हमारी एक्यूरेसी का स्कोर जो आ रहा है तकरीबन 99 आ रहा है, यानी 90% से अबव हमारे पास एक्यूरेसी आ रही है। तो अब फाइनली जिस चीज़ के लिए हमने ये सारा काम किया कि हम इससे प्रेडिक्ट कराते, अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, एक्सपीरियंस जो है हमने 10 साल तक के एक्सपीरियंस को इसके ट्रेन कराया था, अब हम ऐसा करते हैं कि इससे पूछते हैं कि अगर जी 15 साल है तो बताओ जी फिर क्या होगा। अच्छा, अब वो उसके लिए हमने क्या किया है, नीचे हमने मॉडल LTR में डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट नाम का एक फंक्शन मौजूद है, ठीक है, उसके अंदर हमने अपने एक्सपीरियंस का ये वेरिएबल यहाँ पर पास किया है, और हम आप कहेंगे कि ई के वेरिएबल में हम इसे वैल्यू ले लेंगे कि अगर 15 साल का हम आपको एक्सपीरियंस देते हैं तो हमें प्रिडिक्ट करके दो कि कितनी जो है वो उसकी सैलरी होनी चाहिए। हम उसको ट्रेन करा चुके हैं, उसकी टेस्टिंग कर चुके हैं, स्कोर हमारे पास 90% से अबव हमारी एक्यूरेसी आ चुकी है, तो अब प्रिडिक्शन देखते हैं 15 साल में, देखते हैं कि। तो जनाब आंसर आ रहा है कि हिज सैलरी विल बी 15,635। तो आपका क्या ख्याल है कि कितनी एक्यूरेसी है, सही दी है ना उसने। अब आप इस चाहें तो कुछ और वैल्यूज़ यहाँ पे पास करके देखें, जैसे अब 11 इयर्स की कहते हैं, 10 तक का हमने दिया था, 10,000 से अबव हमने सैलरी उधर निकली थी, तो अब यहाँ पे 11,438, ठीक है, यानी अब एक्सपीरियंस के अंदर आप जितना भी एक्सपीरियंस डालेंगे, जिस तरह से डाटा पे हम उसको ट्रेन कर चुके हैं, अब आपको प्रेडिक्शन सही देगा, ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखें कि क्या होता है। अच्छा, इसको अगर आप देखना चाहें कि किसी प्लॉट के थ्रू अगर आपको नज़र आए तो कैसा नज़र आएगा, स्कैटर का प्लॉट होता है जिसमें डॉट के थ्रू जो है ना स्कैटर हुआ हमारे पास डाटा पूरे के पूरा आता है, तो हम उसको शो करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये डाटा किस तरह से आ रहा है। तो ये डाटा आपके सामने, एक्यूरेसी तकरीबन चूँकि 90% से अबव थी तो आपको एक स्ट्रेट लाइन से आलमोस्ट बनती नज़र आ रही है, थोड़े से फ़र्क के साथ कि जहाँ पे ये 7 पे जाके जो है ना 7 ईयर्स पे थोड़ा सा डॉट जो है ऊपर गया हुआ है, वरना ये अगर आप ऐसा करते हैं, हम ना इसमें कुछ थोड़ी सी ना वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, यानी कुछ इस तरह की वैल्यूज़ देती हैं जहाँ पे उसकी ना प्रोडिक्शन थोड़ी सी इधर उधर होगी, हम देखते हैं कि होता क्या है, ये पलूट कर रहे हैं जैसे अपने डाटा को। पहले तो हमने उसको सिंपल कहा कि जी 1 ईयर है तो जी 1000 कर दो, 2 ईयर्स हैं तो 2000 कर दो, तो बहुत क्लीन सा डाटा था, रियल लाइफ में हमारे पास इतना क्लीन डाटा नहीं होता, और इसी वजह से हमारे पास जो है ना ये जो है प्लॉट इस तरह से आता भी नहीं है, वो बहुत स्कैटर सा होता है, काफ़ी इधर उधर फैला हुआ होता है। फिर हम लाइन ऑफ रिग्रेशन बीच में लाइन के थ्रू जो है उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि उस लाइन पे जो है उसके इर्द गिर्द कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं अपने डाटा फ्रेम में ना थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और फिर इस ग्राफ को जो है ना दोबारा चला के देखेंगे कि क्या होता है। जैसे डाटा सेट में हम यहाँ पे 10 साल पे 10,000 हमने दी हुई थी, तो अगर 10 की बजाय जो है हम इसको ऐसा करते हैं,
11 कर दें, यहाँ पे 9000 की बजाय भी कुछ और कर देते हैं, 11000 यहाँ पे पूरा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको कहते हैं थोड़ा सा और 14000 कर देते हैं। अब ये वैल्यू जो है ना मैच नहीं करनी ना बाकी डाटा के साथ। अब ऐसा करते हैं इसको अब दोबारा अब हमें चला के देखना होगा ताकि वो उसको इन्फर कर सके, और बल्कि बेहतर होता है कि रन ऑल कर लें, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दफ़ा में ये सारों के सारों को जो है सेल्स को रन करके देख लेगा और फिर हम चले जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं सारे आउटपुट्स को, सिंपल जाके ना अपने हम ग्राफ को ही देख लेंगे। स्कैटर प्लॉट पे आ गए और यहाँ पे हम इसको रन करा के देखते हैं। अब देखिए आप ग्राफ, आपको नजर आ रहा है फर्क, ठीक है, बिल्कुल उससे पहले क्या था, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन रही थी, लेकिन अब वैल्यूज को हमने उनके अंदर डिफरेंस डाला काफी, तो अब वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपको डॉट्स के थ्रू नज़र आ रहा है कि वैल्यूज़ इधर उधर हुई हैं, जैसे क्योंकि हमने 10,000 के बाद 12,000 और 14,000 डायरेक्टली इस तरह से कर दिया, तो वो उसको इस तरह से इन्फर कर ले। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, लेकिन इसके अंदर पूरी की पूरी सुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल आपके पास कंप्लीट हो गई है, डाटा टेस्ट हुआ है, ट्रेन हुआ है, और जो है उसके ऊपर प्रेडिक्शन ली है आपके सामने, प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आई है। आपने क्या करना है, ऐसे सिंपल से दो चार और लेने हैं, सपोज ले लें कुछ के जैसे 1 मरला साइज़ का हाउस है तो उसका प्राइस इतनी है, तो 2 मरला भी इतनी है, 3 मरला भी, अकॉर्डिंगली कुछ भी रख लीजिएगा, वो करके देख लें, कुछ मार्क्स डाल के उसको करके देख लीजिएगा, डिफरेंट डाटा सेट खुद से बनाएं और उनको ट्राई करें। ये तो डाटा सेट यहीं पे बनाया था छोटा सा, अगर आप चाहें तो एक्सेल में बना के वहाँ से लेके आ सकते हैं, उसको सेव कर लीजिएगा .csv करके। कैगल से कोई डाटा सेट उठाना चाहें तो उनके ऊपर ट्राई करके देखिएगा। प्रोग्रामिंग कभी भी सुनने से या देखने से बिल्कुल नहीं आती, उस अपने हाथ से करते हैं तो तब भी आती है, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप ज़रूर इसको कर लें। अगर ये सुपरवाइज लर्निंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, ये इस डाटा को आपने अच्छे से प्रेडिक्ट करा लिया, तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत ईजी साबित होंगी। और अगर ये आपने नहीं करके देखी और नेक्स्ट हम जो है कुछ लॉजिक्स डाली ना, लॉजिकल डाटा लिया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आने वाली है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, आपको मुश्किल लगेगी और फिर बहुत सारे स्टूडेंट भाग जाते हैं उससे। सबसे बेहतर यही होता है कि जो स्टार्टिंग में आपको चीज़ कराई जाए ना, उसको आप खुद से करके देखें, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करने में रियली बहुत मज़ा आएगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो, कैसा लगा आपको प्रेडिक्ट कराना एक डाटा सेट में से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप लोगों की फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और दिल करता है कि और अच्छी अच्छी तरीके से आपको सिखाएं। प्रोग्राम मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि 2 प्लेलिस्ट बनाऊंगी, एक में आपको जो है हैंड्स ऑन किसी न किसी डाटा सेट के ऊपर हर मशीन लर्निंग की टाइप के हिसाब से जो है आपको प्रेडिक्शन कराया करेंगे डाटा सेट पे, और एक जो है ना साथ थ्योरेटिकली पार्ट रखेंगे, जैसे आप डाटा सेट बनाना, मतलब कॉलम ऐड करना, रिमूव करना, नल वैल्यूज़ को रिमूव करना, वो सारे हम डालेंगे उधर। आपने यानी आपको प्रॉब्लम अगर हो कभी भी कहीं से समझ ना आ रहा हो तो आपने रेफ़र करना है उस प्लेलिस्ट को, वहाँ से जाके थ्योरी पढ़नी है, और फिर इस प्लेलिस्ट पे आके आपने प्रोजेक्ट आके हैंड्स ऑन पे हाथ साफ करना है, अपने मुख्तलिफ डाटा सेट अपने ले लें, एक दफ़ा यहाँ से सीख लें, फिर उसके बाद अपने बना के देखें और डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के देखें कि क्या होता है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।